नमस्कार आप सभी को। आज ये बीपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग को उन वीडियोज़ को देखना है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 के वीडियोस का लिंक डाल दिया है। लिंक वहाँ पे मेंशन कर दिया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8। शीतल देवी, जिन्होंने हाल ही में पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था और वो उससे पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले ही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन फॉर PWDs, पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन फॉर PWDs घोषित किया गया था और उनको फिर से ये अनाउंस किया गया। वो अभी उसी मतलब एज एन आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन काम करेंगे। और इसी लिस्ट में आपको पता है कि जब इन्होंने मिक्स डबल्स में ब्रोंज मेडल जीता था तो इनके जो पार्टनर थे, इनके जो टीममेट थे राकेश कुमार, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल आइकन फॉर PWDs घोषित किया है। दुनिया का पहला डेडिकेटेड कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर, जिसको हम लोग रेड हेडेड वल्चर भी बोलते हैं, वो यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उनके साथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर जयपुर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 की घोषणा की। और ये घोषणा किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर, जो कि 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की मुख्य बात ये रही कि इसमें 3 कैटेगरीज थी, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कैटेगरी में सूरत नंबर 1 पे रहा और कैटेगरी 2, जिसमें आबादी 3 से 10 लाख होनी चाहिए थी, उस कैटेगरी में फिरोजाबाद नंबर 1 पे रहा। और कैटेगरी 3, जिसमें आबादी 3 लाख से कम के सिटीज़ को शामिल किया गया था, उसमें रायबरेली, जो कि यूपी में है, नंबर 1 पे रहा। आपको बताया कि अगले साल आईकी नगोया में, जो कि जापान में है, वहाँ एशियन गेम्स होने वाले हैं। तो उस एशियन गेम्स में योगासन को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया, शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन लोग उस गेम्स में, एशियन गेम 2026 में योग और या योगासन को परफॉर्म करेंगे। योग बोलिए या फिर योगासन बोलिए, ठीक ना। हिंदी सिनेमा एक्टर, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 के लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब अभी AI जो इतना न्यूज में चल रहा है, उसी में उसी से संबंधित टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में 2024 के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली है और उसमें बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को शामिल किया गया है। आपको अब ये लग रहा हो कि क्यों शामिल किया गया है, तो आप लोग खुद से सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ उस लिस्ट में काफ़ी इंडियंस हैं और इंडियन ओरिजिन के सब मिला के 15 लोग हैं, जैसे सुंदर पिचई हैं, सत्या नडेला हैं। तो बस इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम अनिल कपूर ही हैं, बाकी उतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जिसका नाम है 200 नॉट आउट,
और ये किसके ऊपर है, मुंबई का जो एक मुंबई में समाचार पत्र है जिसका नाम है मुंबई समाचार, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर भी है। इसके अभी हाल ही में 200 साल पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पे 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया प्रेसिडेंट रणधीर सिंह को बनाया गया, और ये OCA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। आई थिंक इससे पहले जो थे उस पद पे 1992 से ही थे, तो काफ़ी साल के बाद चेंज हुए हैं। ठीक ना, देख लीजिए, मैं एग्जैक्टली आई थिंक वही टाइम पीरियड होगा। ठीक ना, हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया में सुपर टाइफून यागी आया था, और ये कई दशकों में सबसे पावरफुल साइक्लोन था। और आपको इसमें ये याद रखना है कि यागी का मीन्स गोट होता है, बकरी, और यागी ने सबसे ज़्यादा वियतनाम को इम्पैक्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, तबाही मचाई। ठीक ना, ये न्यूज एक्चुअली इससे ही संबंधित है, रणधीर सिंह जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ, एक्चुअली अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हाँ, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का 44th जनरल असेंबली की बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी। उसी बैठक में पहले तो रणधीर सिंह को नया अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उसी बैठक के दौरान हमारे भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय ने ये घोषणा की कि इंडिया 2030 के यूथ ओलंपिक की मेजबानी हेतु बिड करने जा रहा है। जैसे हम लोगों ने 2036 का भी सुना है, लेकिन वो अभी ऑफिशियल बिड इंडिया की ओर से नहीं गई है, लेकिन 2030 का जो यूथ ओलंपिक होना है इसके लिए इंडिया ने ऑफिशियल बिड कर दिया है। और आपको और ये जानना आपको जरूरी है कि 2030 का जो यूथ ओलंपिक होगा ये अपना 5वां एडिशन होगा। हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण कंडक्ट किया गया मेडिटेरेनियन सी में। हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है जल संचय जन भागीदारी, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सूरत गुजरात में। और इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि कैसे इंडिया में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करके वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। इंडिया मतलब ये इंडिया के जितने आर्म्ड फोर्सेस हैं, तीन जो बोलते हैं हम लोग, आर्मी मिलिट्री सॉरी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, है ना, इन तीनों का पहली बार फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह का पहला आयोजन था जिसमें भारतीय जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो तीनों अंग हैं उन तीनों के चीफ ने भाग लिया, चीफ बोलिए या फिर जिस भी रैंक के लोग ने भाग लिया होगा। और ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हुआ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ये लखनऊ में हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ अग्रवाल इंडिया के ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैर के पार किया है। ये अभी 49 साल की उम्र के हैं, और इन्हें 49 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल जो कि लगभग 42 किलोमीटर चौड़ा है उसको इन्होंने 15 घंटे में तैर कर पार किया। आपको पता होगा कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को स्विम करने वाले, इंग्लिश चैनल में स्विम करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। ठीक ना, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 में गोल्ड से नवाजा गया है। और ये इनको मिला किस लिए, जो इनका डिजिटल इनिशिएटिव पोषण ट्रैकर चल रहा है उसके लिए। ठीक ना,
और ये देख लीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा। शरत कमल इंडिया के जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिसको जिनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ब्रुनेई की यात्रा पे गए थे, वो और ये तो आप लोग जो ब्रुनेई का लोकेशन है मैप पे देख लीजिएगा। अगर पीएम कहीं जाते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है, तो मतलब बहुत कम ही सही लेकिन चांसेस होते हैं कि वैसे कुछ सवाल आ सकते हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली ब्रुनेई यात्रा थी, कब से, जब से दोनों देशों ने 1984 में अपने संबंध एस्टेब्लिश किए हों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वैदिक 3D म्यूजियम कंस्ट्रक्ट करने की घोषणा की है, और ये किया, और ये कहाँ किया जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, वैदिक 3D म्यूजियम, ठीक ना। हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन के फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक ये वर्क करेगा, ये इफेक्टिव होगा। इससे पहले आपको पता है कि अभी हमारे कंट्री में 22वां लॉ कमीशन चल रहा था। इससे संबंधित और कुछ इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक प्रोसेस को बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में मैकाले जो इसके चेयरमैन थे तब एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन MC शीतलवाड़ के नेतृत्व में बनाया गया था, के चेयरमैनशिप में बनाया गया था। और आज का आखिरी करंट अफेयर्स, फ्रेंच कॉस्मेटिक्स जाइंट लॉरियल पेरिस ने आलिया भट्ट जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, उनको अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आज का 20 करंट अफेयर्स हो गया, और टोटल आई थिंक पार्ट 8 पार्ट हो गए हैं ना, तो 160 करंट अफेयर हो गया है, और ये दोनों आपको अगस्त और सितंबर के महीने से है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे 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 इम्पॉर्टेंट महीना है। और ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको टोटल 30 करंट अफेयर सवाल आने हैं BPSC की प्रीलिम्स में, तो आप एकदम फॉरगिवन है कि इन दोनों महीनों से सब मिला के 7 से 9 करंट अफेयर्स रहेंगे ही रहेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैं अगस्त और सितंबर पहले कवर कर रहा हूँ। अब सितंबर में 1-2 दिन और बचा है, जो कि आज 30 सितंबर ही है, तो आज कल का इधर करंट अफेयर से पहले तो मैं कवर कर चुका हूँ, और फिर उधर 1-2 दिन और बचा हुआ है, तो एक तरह से आपका अगस्त और सितंबर एकदम ख़त्म हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगस्त और सितंबर महीने का करंट अफेयर सबसे पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद जुलाई पे जाइएगा, फिर वो तो मैं फिर करवाते रहूँगा, लेकिन ये 8वां पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।